हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रियांश गैराज। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिंद्रा XUV 300 के बारे में, जिसमें मिलती है आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट SUV कार है। अभी आप इसके W4 बेस वेरिएंट को देख रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग की बात कर लिए तो पेट्रोल में 8,41,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। कलर ऑप्शंस की बात कर लिए तो अभी आप इसके व्हाइट कलर को देख रहे हैं, इसके अलावा आपको मैरीन, रेज, ब्लैक, सिल्वर, ब्रोंज और इसी के साथ आपको ड्यूअल टोन कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 8,41,000 से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, 14,07,000 का आपको इसका टॉप मॉडल देखने को मिलेगा। टोटल 4 वेरिएंट्स आपको यहां पर ऑफर किए जाते हैं, बट अभी आप इसका बेस वेरिएंट देख रहे हैं। मैनुअल के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा महिंद्रा XUV 300 में। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लिया तो अभी आप देख रहे हैं इसका 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 110 BHP की पावर, 200 Nm का टॉर्क, 17 की माइलेज मिलती है आपको इसके पेट्रोल इंजन में। 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको वारंटी ऑफर की जा रही है महिंद्रा की तरफ से, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है। की फॉब की बात कर लिया तो यहां पर आपको ऐसी कुछ की मिलेगी, पीछे महिंद्रा का न्यू लोगो, यहां पर आपको ऐसे कुछ फिजिकल फ्लिप की ऑफर की जा रही है इसके बेस वेरिएंट में। अब बढ़ते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ, उसके बाद बढ़ेंगे गाड़ी के इंटीरियर में। 1821 mm की चौड़ाई के साथ आती है महिंद्रा XUV 300। सेंटर में मिलेगा आपको काफी बड़ा सा महिंद्रा का न्यू लोगो, ऐसे कुछ आपको ग्रिल, ऊपर आपको सिल्वर फिनिश, फुल ब्लैक फिनिश में आपको लोअर ग्रिल ऑफर की जा रही है। यहां पर आपको सिल्वर फिनिश की स्किन प्रिंट नहीं मिलेगी, साइड में टोन ऑप्शन। नाइट विजिबिलिटी की बात कर लिया तो यहां पर आपको पूरा हेलोजन का सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, साइड में मिलता है आपको इंडिकेटर, यहां पर आपको ब्लैक फिनिश, सामने से आपको ऐसा कुछ फ्रंट फेशिया नजर आने वाला है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो अराउंड 180 mm का यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। ये इसका पूरा बोनेट एरिया जो कि काफी ज्यादा रखा गया है। ये इसकी सामने की विंडशील्ड, यहां पर मिलेंगे आपको ड्यूअल वाइपर विद ड्यूअल वॉशर का सेटअप। ये है इसकी रूफ, पीछे मिलेगा आपको पावर एंटीना। अब बढ़ते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल, तब तो साइड में आपको 16 इंच के स्टील लिम ऑफर किए जाएंगे। व्हील कैप आपको इसमें नहीं मिलेगा बिकॉज इसका यह बेस वेरियंट है। आप W6 में जाएंगे तो वहां पर आपको व्हील कैप भी ऑफर किए जाते हैं। ये इसके स्टील लिम्स, यहां पर आपको सेंटर में महिंद्रा का न्यू लोगो ब्लैक फिनिश में, इतना कुछ स्पेस। टायर सेक्शन की बात कर लिया है तो 205/65R16 का पूरा टायर सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जिनकी साइड प्रोफाइल ऐसी कुछ लगती है देखने में। यहां पर काफी चौड़ी सी क्लैडिंग जो कि आपके डोर से होते हुए जाएगी। यहां पर आपको फेंडर्स में इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये इसके बॉडी कलर पे ORBMs एंड नीचे आपको ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है बट फोल्ड आपको इसको मैनुअली करना पड़ेगा। जो ए पिलर मिलेगा वो मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, बाकी जो बी पिलर है वो मिलता है आपको बॉडी कलर पे। ये सब एसेसरीज का पार्ट है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बॉडी कलर पे डोर हैंडल्स। ब्रेकिंग की बात कर लिया तो XUV 300 में आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। डायमेंशन वाइज देखा जाए तो यहां पर आपको 3995 mm की लेंथ मिलेगी, 1821 mm की विथ मिलेगी और 1627 mm की हाइट ऑफर की जाती है महिंद्रा XUV 300 में। गाड़ी के व्हील बेस की बात कर लिया तो अराउंड 2600 mm का आपको व्हील बेस मिलेगा, स्पेस भी काफी ज्यादा मिलेगा आपको इसके कैबिन में। ये है इसका फ्यूल फिलर कैप, अराउंड 42 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी इस कार में। अब आते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की तरफ, तो ये है इसकी पूरी रियर प्रोफाइल। तो यहां पर आपको बेस वेरिएंट में ये जो आप लेग गार्ड देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये इसकी पीछे की काफी बड़ी सी विंडशील्ड, यहां पर आपको हाई मोड स्टॉप लाइट, स्पेशल थैंक्स टू एनाल ऑटोमोबाइल्स। अगर आपको कोई भी गाड़ी परचेज करनी है तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको महिंद्रा का न्यू लोगो, नीचे मिलते हैं आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इधर साइड में मिलता है आपको टोन का ऑप्शन, यहां पर आपको रिफ्लेक्टर्स, फुल ब्लैक फिनिश में आपको पीछे का बंपर मिल जाएगा। यहां पर मिलती है आपको XUV 300 की बैजिंग। ये है इसके सी शेप में LED टेल लैंप्स, यहां पर आपको रिवर्स लाइट, इंडिकेटर इसी में ही मिल जाता है। नीचे मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर्स। अब बढ़ते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ, तो यहां मिलता है आपको मैग्नेट बटन, जिसको आप प्रेस करके अपने बूट को एक्सेस कर पाएंगे। ये है इसका बूट ओपनिंग एरिया, तो यहां पर अभी काफी सारा सामान रखा हुआ है, जो इसमें एसेसरीज का पार्ट लगा है उस सारा सामान आपको यहां पर मिल जाता है। तो स्पेस वाइज देखा जाए तो बूट में आपको स्पेस काफी ज्यादा मिलता है। आगे की सीट जो है, जो सेकंड रो की, वो भी पूरी फोल्ड है, तो काफी ज्यादा आपको इसमें मिल जाएगा। अराउंड 259 लीटर्स का आपको यहां पर बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। यहाँ का पूरा कैबिन जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे। अब बूट को करते हैं बंद, बढ़ते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीटिंग की तरफ। अंदर से बैठ के सारे ड्राइविंग फीचर्स और आपको कितना कुछ स्पेस मिलता है वो अंदर प्रॉपर बैठ के देखते हैं। तो यहां पर आपको ऐसे कुछ फिजिकल की मिल जाएगी, अपनी की को आप यहां पे इंसर्ट करके गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे।
एसओ मिलते हैं आपको बॉडी कलर पे डोर हेडर्स। डोर ट्रिम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन कलर में काफी हैवी डोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिससे पता चलती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। नीचे मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पर आपको ऐसे कुछ ब्लैक फिनिश, यहाँ पर आपको व्हाइट फिनिश, यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट, इसका डोर ओपनर, लॉक अनलॉक, ओआरएम के कंट्रोल्स आप इससे एडजस्ट कर पाएंगे, यहाँ पर आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स, नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, ये इसका फ्रंट का पूरा कैबिन। ये जो आप सीट कवर्स देख रहे हैं लेदर के, ये एसेसरीज का पार्ट है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट मिलते हैं आपको हेडरेस्ट, सिर्फ रिक्लाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। नीचे मिलता है आपको फ्यूल ओपनर, मैनुअल के ए बी सी प्लस, बाकी ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास है। साइड मिलेगा आपको बोनेट ओपनर, ये अंदर के काफी सारे बटन्स, ये अंदर का पूरा इंटीरियर, बैठने से गाड़ी के अंदर। ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद ऐसा कुछ नजर आने वाला है फ्रंट डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन कलर में डैशबोर्ड ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर मिलती है आपको फिजिकल की, अपनी की को आप यहाँ पे इंसर्ट करके गाड़ी के क्लस्टर को ऑन कर पाएंगे। ये है इसका क्लस्टर जो कि मिलता है आपको डिजिटल, सारी चेकलाइट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 220 की मिलती है आपको टॉप स्पीड, अपनी MID को आप सेंटर कंसोल पे मिलता है आपको बटन, यहाँ से प्रेस करके अपनी MID को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ट्रिप ए ट्रिप भी, रेंज, माइलेज, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं। ये तो हो गए क्लस्टर की बात। गाड़ी के स्टेयरिंग की बात कर लीजिए तो ये है इसका पूरा स्टेयरिंग, यहाँ पर आपको सेंटर में महिंद्रा का न्यू लोगो, कोई भी आपको कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं बिकॉज इसका ये बेस वेरिएंट है। स्टीयरिंग के पीछे मिलते हैं आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स, राइट से मिलते हैं आपको हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स, स्टीयरिंग के साइड में मिलते हैं आपको डैशबोर्ड में कुछ बटन्स, यहां पर मिलता है आपको लाइट रेवलर। ये तो हो गए स्टीयरिंग की बात। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो यहां पर आपको 2 AC के वेंट्स, यहां पर आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए हॉज मिलेगा, आप एसेसरीज या आफ्टर मार्केट इसमें टच इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं। इसी के नीचे मिलते हैं आपको मैनुअल के काफी सारे बटन्स, हेजलाइट का बटन, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाएंगे। ये है इसका AC का टेम्परेचर बटन, इसको आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को। इसी के नीचे मिलते हैं आपको AC के सारे कंट्रोल्स, इसी के नीचे मिलते हैं आपको यहाँ पर 12 वाट का चार्जिंग पोर्ट, इसके नीचे मिलेगा आपको थोड़ा स्पेस मोबाइल रखने के लिए। अभी आप देख रहे हो इसके 6 गियर मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन को, बाकी ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास है। ये इसका मैनुअल हैंडब्रेक्स, फ्रंट आर्मरेस्ट आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। ये 2 कप होल्डर्स, ग्लव बॉक्स की बात कर ली जाए तो ये है इसका ग्लव बॉक्स, थोड़ा बहुत आपको स्पेस मिल जाएगा इसके ग्लव बॉक्स में। ऊपर की बात कर ली जाए साइड में ग्रैब हैंडल, पैसेंजर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जा रहा है, ड्राइवर साइड भी आपको सेम देखने को मिलता है। ये इसका मैनुअल डे नाइट IRBM। तो यही था इसके अंदर का ओवरऑल पूरा इंटीरियर, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर, बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे में। तो इसमें आपको ABS, UTPD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन एम्बुलाइजर, क्रैश सेंसर, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक और फ्रंट के 2 एयरबैग्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। बाकी आप इसके टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहां पर आपको 6 एयरबैग्स भी एंड काफी सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब आती है मेन चीज गाड़ी के प्राइसिंग की। तो अभी आप देख रहे हो इसके W4 बेस वेरिएंट को, अगर आप इसको पेट्रोल में परचेस करेंगे तो 8,41,000 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है, 9,84,000 की पड़ती है आपको ये ऑन रोड लखनऊ। अगर आप इसको डीजल में परचेस करेंगे तो अराउंड 9,60,000 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है, 11,17,000 की पड़ती है आपको ये ऑन रोड लखनऊ। तो यही थी महिंद्रा XUV300, अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट SUV कार। कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जो बताएगा। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देगा एंड स्पेशल थैंक्स टू नारायण ऑटोमोबाइल्स हजरतगंज लखनऊ। अगर आपको कोई भी गाड़ी परचेज करनी तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देगा। मैं प्रश्न चलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।